नाम नीरज कुमार हुआ और हमारे साथ यहाँ पे भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी हैं, जो इनके साथ प्रिया जी ने फ्रॉड की काम किए हैं और इनसे ये मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते हैं। सर क्या हुआ था? ये देखिए, मेरे फेसबुक पे ये भूमि प्रिया सिंह करके एक आईडी बना हुआ है जी। हम इसके प्रोफाइल में यदि जा रहे हैं ना, तो लॉक दिखा रहे, डिटेल्स आ नहीं रहा है जी। तो मुझे लगता है कि ये फेक आईडी है और इनको किसने ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन का अकाउंट दिया है और ब्रांच दिया है, क्योंकि मैंने दिया नहीं है जी। मैं कार्यकारी अध्यक्ष हूँ और बगैर मेरे अनुमति के ये इस तरह से कोई भी अकाउंट नंबर भेजते हैं तो उस पर पैसा, हम सबसे आग्रह करते हैं कि उस पर पैसा जैसे नहीं डाला जाए। अभी संगठन को पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। हम श्री परशुराम छात्रावास जब उद्घाटन करेंगे, उसे जरूरत पड़ेगा तो हम 10 दिन पहले घोषणा कर देंगे। जब तक हम घोषणा नहीं करते हैं या हमारे आदेशानुसार हमारे पदाधिकारी गण घोषणा नहीं करते हैं, तब तक ये मान्य नहीं है। जितने भी लोग हैं हमारे परशुराम नंदन हैं, इस बात को ध्यान में रखें, कोई भी एक पैसा ये भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के जो अकाउंट है या किसी के भी पर्सनल अकाउंट में जी पैसा नहीं डालें। सिर्फ परशुराम छात्रावास या कोई भी एक्टिविटी हमारे द्वारा हो रहा है उसके नाम पे, जब तक कि हमारी उसमें अप्रूवल ना हो और हमारे प्राधिकारी गण ना उसमें जैसे लिखे। अभी हम इस भूमि प्रिया सिंह जो आईडी है या फेक आईडी है, इसके नाम पे अभी हम जा रहे हैं FIR दर्ज करने के लिए, और उसके बाद जितने भी इस तरह के फ्रॉड के और मतलब नकली आईडी से जो जिस तरह के मैसेज आ रहे हैं जी, सबको मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि दोबारा इस तरह से कोई गलती न करे। और मेरे नाम पे, और यहाँ पे देखिए गुरुदेव हैं श्री सुदर्शनाचार्य जी, जो कि आपके त्रेतपाली स्थान के मठाधीश हैं, बताइए उनके साथ हमें बदनाम करने की साजिश हो रही है, यही मेरा कहना है। अभी बहुत जल्दी हम जा रहे हैं FIR करने। FIR अभी नहीं हुई है? FIR अभी नहीं है, बहुत जल्दी हम बस एक से डेढ़ घंटे, एक क्या मैंने मुश्किल से आधे घंटे में हम पहुंच रहे हैं सर। क्या